अगर बिजली बिल अपडेट नहीं किया तो क्या वाकई कट जाएगा आपके बिजली का कनेक्शन, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। आए दिन सोशल मीडिया पर कई खबरें वायरल होती रहती हैं, वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन खबरों पर यकीन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस डिजिटल युग में गलत खबरों को प्रसारित करना बहुत ही आसान हो गया है। हर रोज कई खबरों को लेकर इस तरह से दावे किए जाते हैं मानो वो दावे सही हो, हालांकि उन दावों का दूर दूर तक आपस में कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उन दावों के सत्यता को परखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक बार फिर से हमें सोशल मीडिया पर एक ऐसी वायरल खबर मिली जिसकी सत्यता के दावे किए जा रहे हैं। दरअसल इस खबर में कहा जा रहा है कि बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन कट जाने पर अब उन्हें बिजली बिल के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा एक ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है जहां आप अपने बिजली बिल को अपडेट कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर यह खबर कहां से आई है और इस खबर की सच्चाई क्या है। दरअसल यह वायरल खबर सोशल मीडिया पर एक लेटर के जरिए फैली, जहां लेटर में इस तरह के दावे किए जा रहे थे। बता दें कि यह लेटर किसी यूजर्स देवेश जोशी के नाम से आया था। अब हम आपको यह लेटर पढ़ के बताएंगे, जहां लेटर में यह स्पष्ट लिखा था कि प्रिय उपभोक्ता, आपके बिजली का कनेक्शन आज रात 9 बजे तक काट लिया जाएगा, क्योंकि आपके पिछले महीने का बिल अपडेट नहीं हुआ है। कृपया तुरंत हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, मिस्टर देवेश जोशी। और फिर उसके बाद इस लेटर में यह लिखा था कि ऊर्जा मंत्रालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि उपभोक्ता को हमेशा अपडेट रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अब आप बिजली हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपने बिल अपडेट कर ले। अपने बिल को अपडेट करने के लिए हमारे बिजली हेल्पलाइन नंबर 0920135686 पर कॉल करें। ऊर्जा मंत्रालय के हमारे आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट्स ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को फॉलो करें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस वायरल दावे की सच्चाई। बता दें कि वायरल हो रहा यह खबर पूरी तरह से भ्रामक और फर्जी है। आपको बता दें कि सरकार या ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से बिजली बिल अपडेट करने की ऐसी कोई भी लेटर या हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं की गई है। दरअसल दावे किए जा रहे इस खबर की सच्चाई हमें PIB फैक्ट चेक के माध्यम से पता चली। बता दें कि PIB फैक्ट चेक के ट्विटर हैंडल के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह साफ लिखा था कि ऊर्जा मंत्रालय की तरफ से इस प्रकार के कोई भी लेटर को जारी नहीं किया गया है। साथ ही PIB फैक्ट चेक के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह भी लिखा गया है कि आप अपने व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी साझा करते वक्त सतर्क रहें। इससे यह तो पूरी तरह से साफ हो गया है कि दावा किया जा रहा यह खबर पूरी तरह से फर्जी है। ध्यान रहे, यदि इस तरह की कोई भी खबर आपके पास आती है तो इस खबर को आगे फॉरवर्ड करने से बचे। जिसने फॉरवर्ड किया है उसे भी इस तरह की फर्जी खबर फॉरवर्ड करने से मना करें। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।